फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? इक्वेशन तो हमें पता ही है, हमने मैथ्स में काफ़ी सारी इक्वेशन सॉल्व की हुई है। तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करनी है। ओके, तो मैथमेटिकल इक्वेशन आपने काफ़ी सारी इक्वेशंस की है, जैसे कि मैं अगर सिंपल सी इक्वेशन एक ले लूँ, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर आपको बोला जाए कि आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड एक्स इक्वल्स टू टू। ओके, तो इसके बीच में क्या होगा? और राइट, तो इसके दो आंसर हैं हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू थ्री और एक्स इक्वल्स टू टू। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फॉर द मैथमेटिकल इक्वेशन। राइट, अब उसी मैथमेटिकल इक्वेशन का एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पे x की जगह पे होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारे जो हमारे पास है, कॉट थीटा भी। राइट, ओके, हाँ, तो ये सारे जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके रूप में अगर हमें इक्वेशन मिल जाए, ओके, जहाँ पे हमारे इक्वेशन के फॉर्म में x और y की जगह पे हो साइन थीटा, कॉस थीटा, तो ये जो इक्वेशंस है उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो उसको सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले तो हम फिर से याद कर लेते हैं हमारा यूनिट सर्कल। ओके, यूनिट सर्कल तो सभी को याद होगा, हमने काफ़ी कुछ मेहनत की है उसके ऊपर। फिर से हम देख लेते हैं एक बार, ये है हमारा यूनिट सर्कल। ओके, समझ लीजिए ये सर्कल ही है, मुझे इतना अच्छा नहीं आता है लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये एक सर्कल है। ओके, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस एंड दिस वन इज अवर एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, तो हम इनके पॉइंट्स भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास क्या होगा, 10, ये है हमारा 01, दिस वन इज -10 एंड दिस इज 0-1। ओके, तो ये हो गया सारे हमारे चार पॉइंट्स। ओके, अब इसको हमें कैसे करना है? तो ये अगर सपोज हमारे पास है पॉइंट ए, बी, सी और डी, इन चारों को हम नाम दे देते हैं। तो अब वी नो दैट दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास ये चार क्वाड्रेंट हो गए। अब इन सभी के अंदर कौन क्या है, कब पॉजिटिव होगा, ये भी हमें पता है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव ऑल पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट वी हैव साइन पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। ओके, तो हमें ये भी याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन, थर्ड में कौन था, फोर्थ में कौन, मतलब ऑल एस टी सी, ये हमने अच्छे से किया हुआ है पहले ऑलरेडी। ओके, अब एक और चीज, एक्स और वाई, एक्स क्या है कॉस थीटा, वाई क्या है साइन थीटा, तो एक्स होगा कॉस थीटा, वाई होगा साइन थीटा। तो ये कौन सा पॉइंट है, जीरो, ये होगा पाई बाय टू, ये हो गया जीरो, ये हो गया पाई बाय टू, ये है पाई और ये है थ्री पाई बाय टू। ओके, तो अब एक्स अगर कॉस थीटा है और वाई साइन थीटा है, राइट, तो कॉस जीरो क्या होगा, वन, साइन जीरो, जीरो, कॉस जीरो, सॉरी कॉस पाई बाय टू जीरो एंड साइन पाई बाय टू वन, कॉस पाई -1, साइन पाई जीरो, कॉस थ्री पाई बाय टू जीरो, साइन थ्री पाई बाय टू -1। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से, अब ये होगा टू पाई, तो कॉस टू पाई वन, साइन टू पाई जीरो, यहाँ पे क्या होगा फाइव पाई बाय टू। ओके, तो कॉस फाइव पाई बाय टू क्या होगा, जीरो, साइन फाइव पाई बाय टू होगा वन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री पाई, तो कॉस थ्री पाई -1, साइन थ्री पाई जीरो। ओके, यहाँ पे होगा सेवन पाई बाय टू, कॉस सेवन पाई बाय टू जीरो, साइन सेवन पाई बाय टू -1। ओके, फिर यहाँ पे आएगा फोर पाई, कॉस फोर पाई जीरो, सॉरी कॉस फोर पाई वन, साइन फोर पाई जीरो। उसके बाद यहाँ पे आएगा नाइन पाई बाय टू, तो कॉस नाइन पाई बाय टू जीरो, साइन नाइन पाई बाय टू वन, यहाँ पे आएगा फाइव पाई, कॉस फाइव पाई -1, साइन फाइव पाई जीरो, फिर यहाँ पे आएगा इलेवन पाई बाय टू, तो कॉस इलेवन पाई बाय टू जीरो, साइन इलेवन पाई बाय टू -1, फिर यहाँ पे आएगा सिक्स पाई, तो कॉस सिक्स पाई वन, साइन सिक्स पाई जीरो।
ओके तो ऐसे ही चलता रहेगा, मैं हम कब कहाँ तक चला सकते हैं इसको। किसी के पास एंड पॉइंट है क्या? हमारे पास नहीं, एंड पॉइंट नहीं है हमारे पास, मतलब इन्फिनिटी तक ये ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसका कोई जनरल फॉर्म भी होना चाहिए, राइट? तो इसका हम जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, जनरल पॉइंट जो है। तो ये क्या हो गया, देखिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलेंगे 2n पाई, वेर एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब के हमारे इंटीजर्स, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, वहाँ पे एन होगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है, विच इज एक्स एक्सिस और वी कैन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, 2n पाई, राइट? अब हम जाएंगे ऊपर यहाँ पे, तो ये क्या है, पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू। तो इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो क्या मिलेगा हमें, 4n प्लस 1 पाई बाई टू। ये क्या है, वाई एक्सिस, लेकिन पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगी 4n प्लस 1 पाई बाई टू। अब यहाँ पे आएंगे फिर से, तो ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इसको हम बोल सकते हैं 2n प्लस 1 पाई, मतलब कि ऑड नंबर्स जो होते हैं वो, उसको हम लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो, जनरल जनरलाइज जो पॉइंट है वो है 2n प्लस 1 पाई। अब या आएंगे यहाँ पे, विच इज़ नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू। तो इसको हम लिख सकते हैं 4n माइनस 1 पाई बाई टू, ये हो गया 4n माइनस 1 पाई बाई टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4n माइनस 1 पाई बाई टू। अब इन सभी के अंदर जो n है वो बिलोंग्स टू z होगा, तो मैं हर एक में नहीं लिख रही हूँ, आपको पता ही है कि n बिलोंग्स टू z है, विच इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हो गया हमारा यूनिट सर्कल, आपको यहाँ पे तो पता चल ही गया। लेकिन एक और चीज़ है, अगर हमें पूरी x एक्सिस है, x एक्सिस पूरा कहाँ पे यूज होता है, जैसे जीरो है, तो y जीरो कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर, मतलब कि साइन जीरो होता है x एक्सिस के ऊपर, मतलब कि पॉजिटिव x एक्सिस भी और नेगेटिव x एक्सिस भी, दोनों के ऊपर अगर साइन जीरो हो रहा है तो उसका जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा, तो उसका जनरलाइज फॉर्म होगा n पाई। मतलब साइन जो है n पाई, मतलब या तो वो ऑड है या फिर इवन है, सभी के लिए जीरो हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म x एक्सिस के लिए होगा n पाई, राइट? समझ में आ गया। अब अगर हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है y एक्सिस के लिए, y के ऊपर देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, मतलब कि x जीरो है, x जीरो मतलब कि cos थीटा जीरो है। तो cos की जीरो वैल्यू अगर हमें पूछी जाएगी, cos थीटा इक्वल्स टू जीरो कब होता है, तो cos थीटा जीरो कब होता है, पूरे y एक्सिस के ऊपर, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस दोनों के ऊपर जो हमारा cos थीटा है वो जीरो हो रहा है। मतलब हमें y एक्सिस का भी कोई जनरलाइज फॉर्म चाहिए, तो y एक्सिस का जनरलाइज फॉर्म क्या हो सकता है, देखिए क्या है हमारे पास, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, मतलब कि हमारे पास सारे ऑड नंबर्स है। सारे ऑड नंबर्स है तो ऑड नंबर्स का हमारे पास क्या है, 2n प्लस 1, और साथ में क्या है, पाई बाई टू। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। तो x एक्सिस का जो जनरलाइज फॉर्म है वो है n पाई, और y एक्सिस का जो जनरलाइज फॉर्म है वो है 2n प्लस 1 पाई बाई टू। तो हमें याद रखना है, x एक्स पॉजिटिव x एक्सिस क्या हो जाएगी, 2n पाई, पॉजिटिव y एक्सिस 4n प्लस 1 पाई बाई टू, नेगेटिव x एक्सिस 2n प्लस 1 पाई, नेगेटिव y एक्सिस 4n माइनस 1 पाई बाई टू, होल x एक्सिस के जनरलाइज फॉर्म ऑफ x एक्सिस n पाई, जनरलाइज फॉर्म ऑफ y एक्सिस 2n प्लस 1 पाई बाई टू। ये हमारा फॉर्म हो गया, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए जो हमने पहले से ऑलरेडी कर किया हुआ है, फिर से हमने यहाँ पे एक रिवीजन कर लिया है। तो अब देखते हैं हमें क्या करना, क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास, हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, सपोज मैं बोलूँ आपको कि साइन थीटा एज इक्वल्स टू हमारे पास है 1 बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। तो वी ऑल नो दैट साइन थीटा 1 बाई 2 कहाँ पे होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और अगर हमें इसको रेडियन में लिखना है तो वो हो जाएगा पाई बाय 6। तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री या फिर पाई बाय 6, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2। तो हमें इसका, हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू फाइंड की, थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, 30 डिग्री और पाई बाय 6।
समझ में आया। ऐसे ही हमें सॉल्यूशन लाना है, लेकिन क्या सिर्फ पाई बाय सिक्स या फिर 30 डिग्री के ऊपर ही जो फंक्शन है वो 1/2 होगा? क्या साइन की और कोई पॉइंट के ऊपर वैल्यू 1/2 नहीं हो रही है? हो रही है ना, क्योंकि वो तो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता जाएगा और उसकी वैल्यू रिपीट होती जाएगी। तो साइन की तो काफ़ी सारी वैल्यूज ऐसी हमें मिलेगी थीटा की, जहाँ पे साइन की वैल्यू 1/2 हो रही है। तो वो सारी की सारी वैल्यू अगर हमें एक जनरलाइज फॉर्म में लिखनी है तो वो कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो उसके लिए देखते हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है उसके लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। के कितने टाइप्स हैं सॉल्यूशन के? 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। के कौन कौन से? सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। के फर्स्ट वन है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकेंड है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन है जनरल सॉल्यूशन। हम सबसे ज्यादा बात तो जनरल सॉल्यूशन के ही करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये तीनों के तीनों क्या है। ओके, तो फर्स्ट वन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है। फर्स्ट इंटरवल क्या है? 0 < θ = 2π। अगर हम सिर्फ एक ही सर्कल बनाते हैं तो एक सर्कल के अंदर कौन कौन से वैल्यूज आती है? तो 0 से लेके 2π तक। तो अगर हमारे हमारा जो आंसर है थीटा का वो इनके बीच में है, तो इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर एक जो हमारा इंटरवल है वो दिया हुआ होता है, विच इज इन गिवन इंटरवल। अगर इसका जो आंसर है वो गिवन इंटरवल के अंदर है तो इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि हमें आज दिया हुआ है कि 2π से लेके 4π तक हमारे पास है, तो 2π से 4π के बीच में जो भी वैल्यू आती है वही हम लिखेंगे, तो इट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। अब है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है? जनरल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, कि 0 से लेके कौन से n π तक हमारे पास सॉल्यूशन है वी डोंट नो। कि तो वो सारे के सारे सॉल्यूशन जब आ जाएंगे तब जो होगा वो सॉल्यूशन वो जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके, तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, तो जैसे हमने अभी किया था कि साइन थीटा = 0 है। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, तो उसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कि अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो 0 से 2π के लिए ही होगा। तो थीटा = sin θ 0 कब होता है? यस, साइन थीटा 0 मतलब y 0। y 0 मतलब x एक्सिस। x एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा? 0π एंड 2π। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेके 2π तक। ओके, अब अगर मुझे चाहिए जनरल सॉल्यूशन, ओके, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ओके, तो जनरल सॉल्यूशन देखिए कहाँ पे होगा। हमने अभी कहा था कौन सी? पूरी एक्स एक्सिस हो रही है। पूरी एक्स एक्सिस का जनरल फॉर्म क्या हमने लिखा अभी? यस, विच इज n π एंड n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब समझ में आ गया आपको जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। ओके, सारे n के लिए जो n π हमें आंसर मिल रहा है वो होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, और 0π और 2π सिर्फ आंसर मिल रहा है, मतलब कि सिर्फ 0 से लेके 2π तक ही हमें आंसर मिल रहा है, तो वो होगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे ही हमें सारे जो है सभी के सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल है हमारा, देखते हैं sin θ = 1 है। ओके, अगर sin θ = 1 है तो इसके लिए हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? थीटा। ओके, साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है? देखते हैं sin θ 1 मतलब y = 1। ओके, और y = 1 कहाँ पे होता है? पॉजिटिव y एक्सिस, राइट। पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर θ = 1 होता है, तो पॉजिटिव y एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा? θ = π/2, राइट। फिर वापस आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2π के बाद ही आएगा,
तो वो तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन हमें चाहिए, कि तो जनरल सॉल्यूशन है उसके लिए क्या होगा, थीटा इक्वल्स, अब देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस का हमें जनरल फॉर्म क्या मिला था, यस 4n+1 पाई बाई टू, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। वेरी गुड, आप सभी को सब कुछ याद हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू -1 के लिए देखते हैं। ओके, तो इसके लिए साइन थीटा इक्वल्स टू -1 मतलब क्या क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू -1, साइन थीटा मतलब हमारी वाई एक्सिस, सॉरी साइन थीटा मतलब हमारा वाई, वाई जो है वो -1 कब होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वाई अगर -1 हो रहा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर अगर हमारा साइन थीटा जो है वो -1 हो रहा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब नीचे की साइड, नीचे की साइड नेगेटिव वाई एक्सिस होती है तो वहां पे थीटा क्या होता है, यस विच इज 3π/2। ओके, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। तो ये है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, थीटा इक्वल्स टू, यस नेगेटिव के ऊपर क्या था, यस नेगेटिव वाई एक्सिस, यस 4n-1π/2 वेर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है अब कि क्या है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब देखते हैं फोर्थ वन विच इज साइन के लिए सब देख लिया, अब देखते हैं कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन कब होता है, जब एक्स वन होता है, एक्स वन कब होता है, पॉजिटिव, यस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 0 and 2π, राइट। तो अब इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ये देखिए हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, याद रखिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर थीटा क्या होता है 2n π, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो अब काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं, समझ में आ रहा है क्या है जनरल सॉल्यूशन, क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेम अगर हम बोल देते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू, यस कॉस थीटा 0 मतलब के वाई एक्सिस, पूरी वाई एक्सिस आ जाएगी, तो पूरी वाई एक्सिस का क्या है 2n+1π/2, और थीटा जो है हमारा इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होगा, पाई एक्सिस पूरी मतलब π/2 and 3π/2, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस अब आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके, तब थोड़े से देखते हैं हमारे, हम सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, उसके बाद देखेंगे उसका भी जनरल सॉल्यूशन, ओके, जिसका जनरल सॉल्यूशन हम इतनी इजीली नहीं लिख पाते हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। कि अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 मैं बोलूँ तो वी नो दैट प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ओके, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें पता है थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो ये अगर हमारे पास यूनिट सर्कल है तो कॉस थीटा 60, ये देखिए यहाँ पे होगा कुछ 60 डिग्री। ओके, तो साथ में अब कॉस जो है वो पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा 60 डिग्री होगा। ओके, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर कॉस जो है वो 1/2 हो जाएगा, राइट। तो अब थीटा इक्वल्स टू, ये 60 डिग्री तो है मतलब हमारा π/3। ओके, अब दूसरा यहाँ पे होगा मतलब क्या है, ये हमारा है 90, ये है 180, ये है 270, और प्लस किए कितना होगा, ये होगा 30, तो 270 + 30 कितना हो गया 300।
ओके, और 300 डिग्री जो है उसको हम लिख सकते हैं इन रेडियन 5π/3। ओके, तो ये हो गया हमारा पाई बाय थ्री और ये हो गया 5π/3। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें क्या मिला, 2π/3 एंड 5π/3। तो अब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन इसका अगर आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, याद है आपको, किसी को पता है? जी नहीं। ओके, तो इसके लिए मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। एक और ले लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। ओके, द कॉस जो है वो नेगेटिव है, और कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे 60 डिग्री कहाँ पे होगी, यहाँ से ले लेंगे तो ये हो गई हमारी 60 डिग्री, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगी ये 60 डिग्री। ओके, तो ये दोनों जो पॉइंट है वो क्या होंगे, तो थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये देखें, 90 प्लस ये 30, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, और यहाँ पे क्या होगा, 180 प्लस 60, तो थीटा हो जाएगा 240 डिग्री। तो इसको अगर हम रेडियन में लिखें तो हो जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा 4π/3। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। ये क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 के लिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया, और कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2 के लिए भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये तो आप सभी को आता है, लेकिन वॉट अबाउट दी जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कॉस थीटा अगर इक्वल्स टू कॉस कोई ए है, ओके, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ए है, तब ऐसे ही तो हम फाइंड करते हैं, थीटा इक्वल्स टू ए हो गया। ओके, तभी तो वो दोनों एक होंगे ना, सेम होंगे। तो अगर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ए लिखेंगे, तो अब हम फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस ए इक्वल्स टू जीरो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो कॉस थीटा माइनस कॉस ए, मतलब सी माइनस सी, उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या है, -2 sin θ + a/2 (sin θ - a/2) इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं के या तो आइदर वी हैव साइन थीटा प्लस ए बाई टू इक्वल्स टू जीरो, और वी हैव साइन थीटा माइनस ए बाय टू इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स आइदर, नाउ वी नो दैट व्हेन साइन इक्वल्स टू जीरो, साइन जीरो का जनरल फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, क्या है, साइन थीटा प्लस ए बाय टू इक्वल्स टू साइन एन पाई, और साइन थीटा माइनस ए बाई टू इज इक्वल्स टू साइन एन पाई। ओके, सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट दैट थीटा प्लस ए बाई टू इज इक्वल्स टू एन पाई, और थीटा माइनस ए बाई टू इज इक्वल्स टू एन पाई। ओके, एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट थीटा प्लस ए इज इक्वल्स टू 2n पाई, और थीटा माइनस ए इज इक्वल्स टू 2n पाई, राइट। From this we can write that theta is equals to 2n pi minus a, and here we can write that theta is equals to 2n pi plus a, and from both of this we can write that theta is equals to 2n pi plus or minus a, right. So now we know the general solution. If we have that cos theta equals to cos a, then theta is equals to 2n pi plus or minus a. ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर से हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन कितना इजी है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 2n π + or -a। तो अब देखते हैं वही वाले क्वेश्चन। तो वी हैव दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें क्या मिला था इसके लिए, थीटा इज इक्वल्स टू π/3 एंड दी 5π/3, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसके ऊपर से, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/3। दिस इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ए हो गया हमारे पास। तो कॉस थीटा अगर इक्वल्स टू कॉस ए है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन थीटा क्या हो जाएगा, 2n π + or -π/3। ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, वेयर एन बिलोंग्स टू
जेड ओके। आप ऐसे ही तरह 5π/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे एन के लिए आ जाएंगे, तो यहाँ पे 5π/3 भी इंक्लूडेड होगा। ओके तो देखते हैं सेकेंड वन क्या था, cos theta equals to -1/2, ये हमारा फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। सो cos theta equals to -1/2, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिला था, थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3 एंड दी 4π/3। तो लेते हैं 2π/3 को, तो सेम अगेन cos theta equals to cos 2π/3। ओके ये हो गया हमारा, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो जरूरी है ही, उसके ऊपर से ही आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके तो cos theta equals to cos 2π/3 हो गया, तो जनरल सॉल्यूशन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, theta equals to 2nπ प्लस और माइनस 2π/3। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन वेर एन बिलोंग्स टू दी जेड। ये कभी भी आपको भूलना नहीं है कि एन बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर्स है, मतलब कि जेड है, या फिर अगर आप आई यूज कर रहे हैं तो कैपिटल आई है, लेकिन मैं तो यहाँ पे जेड यूज करने वाली हूँ, तो बेटर है कि आप लोग भी जेड ही यूज करें, क्योंकि वी नो दैट एन जेड क्यू आर, हमने यही पढ़ा हुआ है पहले से, तो एन जेड क्यू आर, तो हम जेड ही यूज करने वाले हैं। कि तो कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2 के लिए थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस और माइनस 2π/3 होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, अगर cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/4, वी नो दैट cos π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos a हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2nπ प्लस और माइनस π/4 वेर n बिलोंग्स टू z। ओके सिमिलरली अगर हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2, अगर cos थीटा इक्वल्स टू -1/√2 है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू cos 3π/4, ओके वी नो दैट 3π/4π - π/4, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस और माइनस 3π/4 वेर एन बिलोंग्स टू जेड, राइट। तो ये हो गए दो एग्जांपल्स, और कितने इजी है, देखिए हमें सब कुछ आता है, राइट right? उसके बाद है cos theta इज इक्वल्स टू √3/2, तो √3/2 कब होता है, एट पॉइंट 5/6, तो cos theta इक्वल्स टू cos 5/6 हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका 5/6 होगा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस और माइनस 5/6 वेर n बिलोंग्स टू z। ओके नेक्स्ट क्या हो लेंगे, सेम नेगेटिव में, तो cos theta इज इक्वल्स टू -√3/2 है सपोज, तो -√3/2 मतलब पाई माइनस पाई बाय सिक्स विच इज 5π/6, तो cos theta इज इक्वल्स टू cos 5π/6 हो जाएगा। ओके सो वी हैव theta इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस और माइनस 5π/6, माइनस रह गया था, वेर n बिलोंग्स टू z। देखिए ये भी हो गया, अब देखते हैं फॉर दी अच्छा ये सारे हो गए थीटा के लिए, लेकिन अगर हम बोले कोई कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम थिंग, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos π/3, π/3 के ऊपर cos 1/2 है, राइट right? तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos π/3, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा, देखिए हम यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू cos π/6 है, तो लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस और माइनस π/6, यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा इक्वल्स टू है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 2nπ प्लस और माइनस π/3, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू nπ प्लस और माइनस π/6 वेर n बिलोंग्स टू z। देखिए कितना इजी है। ओके तो ऐसा अगर 2 थीटा आ जाए, 3 थीटा आ जाए, तो ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट है सपोज 3 थीटा के लिए है, तो cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू है 1/√2, ओके या फिर -1/√2 ले लेते हैं। ओके तो cos 3 थीटा माइनस वन, ये है cos थीटा इक्वल्स टू -1/√2, इसके लिए क्या था 3π/4, तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos 3π/4, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस और माइनस 3π/4। ओके तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 एन पाई प्लस और माइनस π/4 वेर एन बिलोंग्स टू z। तो ये हो गई हमारी थीटा की वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन के। तो ये सारे हमारे जनरल सॉल्यूशंस थे, लेकिन अभी हमने सिर्फ कॉस के लिए देखा है ये था
कॉस थीटा इक्वस टू कॉस अल्फा के लिए वैसे ही हमारे पास है साइन थीटा इक्वस टू साइन अल्फा, टेन थीटा इक्वस टू टेन अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वस टू टेन स्क्वायर अल्फा। इतने इक्वेशन हमें करने हैं तो इसके ऊपर से तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके अगर फिर भी अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम आगे करने ही वाले हैं। कैन स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।